नमस्कार मित्रों, लर्न इजी स्मार्ट में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों की गूंज अभी शांत भी नहीं हो पाई थी कि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनावी परिणाम देश के सामने हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया। ढाई दशक से त्रिपुरा में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। नागालैंड में भाजपा ने क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लिया तो मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा सामने आई है। तीनों राज्यों में से त्रिपुरा के नतीजों ने देश को वाकई चौंका दिया, इसलिए क्योंकि पिछले चुनावों में एक सीट भी नहीं जीतने वाली भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लगभग तीन चौथाई सीटें जीतने में कामयाब रही। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में वामपंथी दलों की करारी हार ने इस विचारधारा के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, खासकर उस स्थिति में जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार की छवि देश के गिने चुने ईमानदार नेताओं में होती है। तीन राज्यों के नतीजे आने वाले महीनों में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करेंगे या नहीं, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण हो चला है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हारने वाली कांग्रेस मेघालय में भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए। देश की सबसे प्राचीन पार्टी के पास अब कर्नाटक बचाने की चुनौती है। पार्टी अगर यहाँ भी हार गई तो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी दावेदारी कमज़ोर हो जाएगी। एक के बाद एक चुनावों में हार रही कांग्रेस के अलावा गैर भाजपा दलों के सामने भी अगले लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती के रूप में आने वाले हैं। कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों को भी समय के साथ बदलने की नई सोच विकसित करनी होगी। त्रिपुरा, नागालैंड में जीत के बावजूद भाजपा को भी अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनावों में मिली करारी पराजय उसके लिए आत्मचिंतन का अवसर होना चाहिए। अपनी हार के कारणों का पता लगाकर उसके अनुरूप रणनीति बनाने वाले राजनीतिक दल ही फायदे में रह सकते हैं। देखना यह होगा कि कौन दल कितनी ईमानदारी से अपना विश्लेषण करता है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी डिक्टेशन। थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से मैं आपको डेली डिक्टेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। इसके लिए आप क्षमा करें।
और अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।